Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज मंजेश्वरी का तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मुझे ही लेना पड़ेगा। तो थैंक यू माता, तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरे स्तंभ के आठवें अध्याय का श्लोक नंबर 22, 23 और 24 देखेंगे हम लोग। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 22। कालेन सोज पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरोढ बोध स्वयं तद् अंतर्हृदये अवभातम् अपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम्। कालेन सोज पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरोढ बोध स्वयं तद् अंतर्हृदये अवभातम् अपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम्। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? At the end of the Brahma's 100 years, when his meditation was complete, he developed the required knowledge, and as a result, he could see in his heart the supreme within himself, whom he could not see before, with the greatest endeavor. अब यहाँ पे इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है 100 वर्ष के पश्चात उनका जो ध्यान खत्म हुआ, फिर जो उनको चाहिए था वो ज्ञान उन्होंने डेवलप कर लिया, प्राप्त कर लिया, और उसके कारण क्या हुआ कि अपने हृदय में वो भगवान को देख सके, जो जिस भगवान को पहले बहुत प्रयत्नों के वजह से भी नहीं देख, बहुत प्रयत्न किया हम लोग जानते हैं वो कैसे ऊपर से नीचे तक कई वर्षों तक वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनको भगवान दिखाई नहीं दिया। इतना मेहनत करने के पश्चात भी उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना तप पूर्ण किया तो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और भगवान जो उनको दिखाई दिए। तो इस श्लोक में ये कहा जा रहा है, मैं क्विकली इसके तात्पर्य छोटे छोटे में फटाफट पढ़ लेता हूँ। तो सुप्रीम लॉर्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड नॉट बाय वंस पर्सनल एंडेवर एंड मेंटल स्पेकुलेशन। द एज ऑफ ब्रह्मा इज कैलकुलेटेड in terms of divya years, which are distinct from solar years of human beings. The divya years are calculated in Bhagavad Gita 8.17 sastra yuga paryantam aryat brahmana vidho. Brahma's one day is equal to 1000 times the aggregate of 4 yugas, to be calculated to be 43 lakh years. On this, that this is Brahma meditated for 100 years before he could understand the supreme cause of all causes, and then he wrote the Brahma Samhita, which is approved and recognized by Lord Chaitanya, in which he sings Govinda Madhu Purusham Tamham Bhajami. One has to wait for the mercy of the Lord before one can either render service unto him or know him as he is. Log iska agla shlok bhi padh lete hain. मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम पुरुषम शयानम
प्रणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हत द्वंद्वांत योगांत। तो ये अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मा कुड सी दैट ऑन द वॉटर देर इज अ जायजेंटिक लोटस लाइक वाइट बेडस्टेड द बॉडी ऑफ शेषनाग ऑन विच द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वॉज लाइंग द होल एटमोस्फियर वॉज इल्यूमिनेटेड बाई द रेज ऑफ ज्वेल्स बिडेकिंग द हुड ऑफ शेषनागा एंड दैट इल्यूमिनेशन डिसिपिएटेड ऑल द डार्कनेस ऑफ दोस रीजन्स। मैं तीसरा श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। प्रेक्षाम क्षिपन्तम् हरितोपलाद्रेः संध्या भ्रनिवेर उरुक्रुक्ममुद्ना रत्नो ददारौषधि सोमनस्य वनस्रजो वेणु भुजांग भुजांग्रिपांग्रहे। इसका अनुवाद देखते हैं। द लस्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड द ब्यूटी ऑफ द कोरल माउंटेन। द कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड बाय द इवनिंग स्काई बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इट्स ब्यूटी। देर इज गोल्ड ऑन द समिट ऑफ द माउंटेन बट द लॉर्ड्स हेलमेट बिडेक्ड विद ज्वेल्स मॉक्ड इट। द माउंटेन्स वाटरफॉल्स हर्ब्स एक्सेट्रा विद द पैनोरामा ऑफ फ्लावर्स लाइक seem like garlands but the lord's gigantic body and his hands and legs decorated with jewels pearls tulsi leaves and flower garlands mocked the scene on the mountain। iska bhi chota sa tatpar hum log quickly pad liye tha। tatpar shri prabhupada dwara shri prabhupada ki jay the panoramic beauty of nature which strikes one with wonder may be taken as a perverted reflection of the transcendental body of the Lord। One who is therefore attracted by the beauty of the Lord has is no longer attracted by the beauty of material nature। Although he does not minimize its beauty in Bhagavad Gita 2.59 it is described that one who is attracted by Param Supreme is no longer attracted by anything inferior। Hare Krishna। Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवारी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत्त हस्मितिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विधि प्रचाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के आठवें अध्याय का श्लोक नंबर 22, 23 और 24। तो जैसे हमने देखा कल भी जो था, जो हमने देखा कि कैसे प्रश्न उठ रहे थे हम लोगों को कि कैसे, मतलब माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था उसको। और यहाँ पे आज के श्लोक में कहा गया कि 100 वर्षों के पश्चात उन्होंने ध्यान किया ब्रह्मा जी ने और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जिसके कारण वो भगवान को देख सके। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था हम लोग को प्रश्न थे, तो मैंने अपने कई सीनियरों से जो था ये प्रश्न पूछा था, तो उसमें से एक भक्त ने जो NVCC में है, दो लोगों से मुझे रिप्लाई मिला था। दोनों ने सेम बात कही कि ये कुछ चीजें जो है प्रभुपाद जी हम लोग को स्पेसिफाई नहीं करते, वो क्लियर नहीं बताते, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए उनको देना था भागवतम। तो कुछ कुछ जो है बहुत ही एकदम हाई लेवल का ज्ञान है, जैसे उन्होंने हम देखते हैं कई बार उन्होंने ब्रह्मा जी का लाइफ उसका कैलकुलेशन इतना खतरनाक, इतना मल्टीप्लाइड हुआ, इतना इतना मल्टीप्लाइड हुआ, इतना सो ह्यूज फिगर, बट स्टिल देर इज सम नॉलेज जो थे प्रभुपाद जी ने हमको स्पेसिफाई नहीं किया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी जो हैं, वो उनकी सारद दर्शनी, उनका जो कमेंट्री है उसमें ये क्लियर करते हैं कि ये जो 100 वर्ष दिए गए हैं ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं है, ये जो है ये जो निचले जो लोग हैं
आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया कि कौन से, लेकिन जो निचले लोग हैं उनके 100 वर्ष नहीं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के 100 वर्ष अलग हैं, स्वर्ग लोक के 100 वर्ष अलग हैं, उससे और ज्यादा ऊपर जाते जाते हैं जन्म महत तप, और वैसे वैसे जब हम लोग टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी के लोक तक जाते हैं तो वहां के 100 वर्ष अलग हैं। तो ये जो निचले जो स्तर के जो हैं उनका कैलकुलेशन है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी का जो कमेंट्री है, उनका टीका टिप्पणी है इस श्लोक पे, स्पेसिफिकली 3822 पे जो है उसमें उन्होंने कहा है। और इसमें जो दूसरे जो हैं हमारे फेमस गौरांग दर्शन प्रभु, आप लोग बहुत से लोगों ने काम सुना है उनको, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ उनको। जो लोग नहीं जानते, फॉर देम उनकी बुक्स भक्ति वेदांत, भक्ति वैभव के लिए उनकी बुक्स रेफर की जाती है। इज वेरी यंग डिवोटी, वेरी ऐसे देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही सीनियर है स्पिरिचुअल कैलिबर। एंड उनका भी यही कहना था, उनका एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू क्लैरिफाई दिस डाउट, आई वुड लाइक टू शेयर, वो भी शेयर करते हैं। उनका भी यही कहना है कि ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं है, ये निचले वाले 100 वर्ष है। तो दिस वीडियो विल क्लैरिफाई आवर डाउट। जो दो रेफरेंस मिले हैं हम लोगों को, तो बोथ वी आर सेइंग टू क्लियर आवर डाउट। बेसिकली ही मेडिटेटेड फॉर 100 इयर्स, ही डेवलप्ड द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एज अ रिजल्ट ही कुड सी द लॉर्ड फाइनली। इनिशियली ही कुड नॉट सी द लॉर्ड, बट आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 100 इयर्स ही कुड सी द लॉर्ड। नॉट हिज 100 इयर्स, नॉट 100 years according to his calculation, it is one day of Brahma and the initial first 100 years only passed. That is according to like lower calculation, I think celestial calculation, not Brahma's calculation. So then he could see the Lord. And how did he see the Lord? What is the form of the Lord? That is the rest of the chapter, which is very exciting. But we completed one section here. I will just summarize in a minute. So, ये बात clear कर रहे हैं कि ये जो गणना है ये 100 साल का, ये ब्रह्मा जी का नहीं है। जो निचले स्तर के जो जो लोग हैं सेलेस्टेलियस वो भी, बट दे आर वेरी फ्यू, तो उनका जो है उसके हिसाब से ये जो है 100 वर्ष है। तो ये हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के पश्चात, क्योंकि हम लोग कई बार सुनते हैं ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है तो उसके बाद फिर उन्होंने क्रिएशन कैसे शुरू किया। कि यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी का कमेंट्री है और गौरांग दर्शन प्रभु जी भी उस चीज़ को रिफर करते हैं, वो भी यही क्लियर बोलते हैं। मैं ग्रुप में वो वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, यू कैन चेक दैट। तो वो एक जो डाउट है हमारा वो कल का वो क्लियर हो गया कि कैसे जो 100 वर्ष का आयु जो है वो किसके हैं वो। तो ये हमारा डाउट क्लियर होता है यहाँ पे। अब इसके तात्पर्य में हम लोग जाते हैं, तो इसके तात्पर्य में काफी बड़ा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जो इसका जो ट्रांसलेशन से इसे समझ सकते हैं एक चीज कि भगवान को हम लोग अपने एंडिवर से बिल्कुल नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी जैसे जो हमारे आचार्य हैं, हमारे बोलते ना संप्रदाय के गुरु हैं, हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, वो भी अपनी मेहनत किए, मतलब देखना चाहता हूँ किधर 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 भाग रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उनको दिखाई नहीं दिया। वो कई वर्षों तक वो चलते रहे लेकिन नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो अपना ध्यान में बैठ गए वैसे ही उनका मेडिटेशन पूरा हुआ, वैसे ही उनको वो भगवान का दर्शन हुआ। तो ये एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, भगवान की कृपा के बिना हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। हम लोग भगवान को देखना यानी ऐसे नहीं हो भगवान आपका ये मुकुट है, आपने ये कपड़े, नहीं, भगवान को देखना यानी भगवान की कृपा को देखना। हमारे हमारे लाइफ में भी हम लोग कितना चमत्कार हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग हमारे डेस्टिनी में नहीं है लेकिन वो हो रही है, और ये सब भगवान का कृपा ही है। तो इसमें हम लोग को भगवान का हाथ देखना चाहिए। हम लोग उतने शुद्ध नहीं है कि साक्षात भगवान डिश करके हम सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे तथास्तु बेटा, बोलो क्या करना है, मैं क्या आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर, वो हमारे सेवक नहीं है, हम उनके सेवक हैं। तो वी हैव टू सी इन अवर वे, वो जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे हमको देखना, ऐसे नहीं नहीं जैसे कई लोग प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद आई वांट टू सी गॉड, प्रभुपाद आई वांट टू सी गॉड, प्रभुपाद उनको भगा दे रहे थे, बोलो भगवान
क्या तुम्हारा औकात है, तुम क्या बात, मतलब हाउ कैन यू ऑर्डर टू सी द गॉड। तो भगवान सिर्फ भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मा जी के इंस्टेंस से, इस श्लोक से हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया फिर भी उनको दिखाई नहीं दिए। तो ये था श्लोक का नंबर 22। और इसमें तात्पर्य में भी जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के कृपा के बिना भगवान को नहीं देख सकते, तो वैसे ही अठारहवें अध्याय का पंचम 55 श्लोक नंबर 55 है, भक्त्या माम अपि जानाति यावन् यश्चास्मिति तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इसमें क्या कहा गया, भगवान को हम सिर्फ भक्तिमय सेवा द्वारा ही देख सकते हैं, भक्त्या माम अपि जानाति, सिर्फ भक्ति से देख सकते हैं। कोई सोचेगा मैं योग कर लेता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, मैं अष्टांग योग करता हूँ, सांस रोकता हूँ, एक पांव पे खड़ा हो जाता हूँ, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। भक्त्या माम अपि, सिर्फ भक्ति से हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को समझना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत फिर से वही बात कहते हैं, वन हैज टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो उसके लिए हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए, वन हैज टू वेट फॉर द, ऐसा नहीं है मर्सी नहीं हुआ, हम लोग को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन भगवान का कृपा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को छोड़ देना चाहिए, नहीं, वेट करो। और प्रभुपाद जी इसके लिए मेरे को याद आ रहा है एक बहुत हमेशा अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे जब वेडिंग होता है, शादी होता है, तो वो जो लड़की है उसको तुरंत पुत्र प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं ये, she has to wait for the mercy of her husband, तब जाके उसको पुत्र प्राप्त होता है, वो उसकी सेवा। प्रभुपाद जी बोलते हैं she serves her husband, अपने पति की सेवा करती है, उसको प्रसन्न करती है, by whatever means, उसको पांव दबाती है, अच्छा खाना देती है, सब कुछ उनके माता पिता का, जब पति देखता है अरे she is so obedient, कितना सेवा कर रही है, and then he blesses her with that। तो प्रभुपाद जी का ये है कि ऐसा नहीं है कि शादी हो गया बस अभी मुझे बच्चा चाहिए, इट कैन नॉट गोइंग, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वी हैव टू वेट फॉर द मर्सी। और ये जो है हम लोग जो उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखते हैं 6 चीजें जो हम लोग को यूज करनी चाहिए, उसमें से एक है ये धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग सतोवृत्ति, शक्ति भक्ति प्रसिद्ध थी। तो ये जो है ये हम लोगों को 6 चीजें हम लोग को करना, उत्साह भी रखना है, ऐसे नहीं अभी 50 साल हो गए तो अरे यार मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, क्यों जप कर रहा हूँ, नहीं। शबरी माता को देखो कितना, वो तो बूढ़ी हो गई थी, मतलब शी वाज अबाउट टू डाई, बट फिर भी उसका वही उत्साह रहता था, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सो रोज सुबह फिर झाड़ू लगाती थी, फिर बोर जमा करती थी सारा, फिर लाती थी, बोला आ जाएंगे आएंगे। वी नीड टू हैव दैट डेडिकेशन, धैर्य, उत्साह, निश्चय सब होना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। तो हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, ये हम लोगों को इस श्लोक में देखने मिलता है। फिर श्लोक नंबर 23 में मृणाल गौरा यत शेष भोगा। अब यहाँ पे जो है इस सेक्शन से हम देखेंगे, ये जो श्लोक है श्लोक नंबर 23 से लेके ऑलमोस्ट 32 तक। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी के नाभि से कमल निकला है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और वो ऊपर से देख रहे हैं भगवान को, और उनको जो है शेषनाग दिखाई दे रहा है, सफेद, व्हाइट बेडस्टेड एकदम सफेद, और इसलिए हम लोग देखते हैं बलराम जी जो है कितने गोरे हैं, इज सो व्हाइट। तो जब शेष के रूप में भी आते हैं तो वो एकदम व्हाइट है। और एक जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे शेषनाग जी जो है भगवान के सर पे उनको आतपत्र मतलब अम्ब्रेला बना के उनके सर पे बहुत अच्छा ये वर्ड है फणा आतपत्र, फण का जो है छप अम्ब्रेला उन्होंने बना के रखा। तो जैसे शेषनाग जी यहाँ पे भगवान के साथ हैं, और वहीं कुछ लोग पहले हमने देखा वहां पे वो नीचे सनत कुमार जी को भी प्रवचन दे रहे हैं, वहां पे भागवतम सुनाते हैं। तो ये इनके अलग अलग रूप से वो एक्सपांशन से अपना जो है विस्तार से वो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे भगवान का आदेश है कि सारे पृथ्वी जो ब्रह्मांड है उसको अपने सर पे उठाना है, तो वो भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
जो बलराम जी जो है वो हर रूप में करते हैं। इवन रामायण में हमने देखा तो वो जब छोटे भाई बन के आए थे तो उनको बहुत गुस्सा आया हर चीज में। अरे तू छोटा भाई है, चुप बैठ, तू सुन मेरी बात। जब ये रामलीला जब खत्म हुआ तो ही गॉट वेरी एंग्री, मेरे को अगला बार छोटा भाई नहीं बनना, अब से मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। ठीक है, बात क्लियर? और जो मैं बोलूंगा वो सुनना है। तो सेवक, सी दैट इज द मूड। वो जो सेवा भी अगर करना है तो उनको चाहते हैं कि मैं अच्छे से सेवा करूं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने जो लोक मर्यादा, जो लोक के हित के लिए उन्होंने ऐसे किया, सीता मैया को छोड़ दिया एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी नो, उसके पीछे भी फैक्टर्स हैं, विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन बलराम जी को पसंद नहीं है, बोलते नहीं, और इसीलिए वो बड़े भाई बन के आए। तो हमेशा वो कुछ भी बोलते थे भगवान कृष्ण, तो वो दाऊ जी बीच में पड़ जाते हैं, मेरी बात सुनो, तुमको ये नहीं करना तो ये करना। सो दैट वॉज हिज मूड। तो ये हम लोग को इसमें से देखने मिलता है कि कैसे वो कितने डिलीजेंटली, इतने ही दक्षता से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो उनको जो है छतरी, और इवन जब वो वसुदेव जी अपने सर पे वो टोकरी उठा के लेके जा रहे हैं, तो वसुदेव जी को पता नहीं था पूरा यमुना जी यहाँ तक आ गई है, पूरी ऊपर तक, और पीछे जो है बलराम जी जो है उनको फंड पे अपना जो है ऊपर छतरी बना के वो उनको ले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है बेबी है तो चलो ठीक है बरसात गिरने दो, नहीं, वो तुरंत आ गए। ऐसे कैसे है, भगवान मेरे भगवान के ऊपर बरसात लग रही है, तो तुरंत खड़े हो गए वो फंड फैला के, अम्ब्रेला बना के। तो दैट इज द मूड हर चीज में। इसलिए डिवोटी हैज टू बी इंटेलिजेंट कि सेवा का मौका मिले, खाली ऐसे नहीं मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा, नहीं, हमको ढूंढना है उसमें। जैसे कुछ भक्तों में देखता हूँ इमीडिएटली दे आर रेडी टू, वो पकड़ते हैं, अरे ये चीज है मैं ये करता हूँ, अरे ये चीज है मैं ये करता हूँ, ये चीज है मैं ये करता हूँ। इसमें सेवा कैसे करना है, वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस, वी हैव टू बी स्मार्ट। ऐसे नहीं बस मैं क्या सेवा करूँ, मैं क्या सेवा, ऐसा करे रहेंगे तो फिर हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू पिकअप, वी हैव टू एंटर, वी हैव टू पिकअप द सेवा। तो ये एक हम लोग को इस एपिसोड से हम लोग को देखने मिलता है कि अब यहाँ से लेके 23 से लेके लगभग 32वें श्लोक तक सिर्फ अब भगवान का जो है वर्णन है, सुंदर वर्णन है उनका। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ये सेक्शन, और 33 जो श्लोक है वो वहाँ पे ब्रह्मा जी जो है अपना क्रिएशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में ये है, और श्लोक नंबर 24 में कैसे बताया गया है कि भगवान का सुंदरता जो है कितना उपल, जैसे कोरल जो है, कोरल का जो माउंटेन होता है कितना, मुझे कोरल भी हमने देखा होगा, कोरल बहुत से लोगों को पता होगा, जो जिसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में, तो कितना सुंदर लगता है एक छोटा सा भी, बहुत से लोग हाथों में पहनते हैं जिनको कुछ दोष होता है उनके लिए होता है वो, तो कितना सुंदर लगता है उसका जो पहाड़ ही है वहां पे, और वो भी कितना सुंदर है। तो भगवान जो है उसकी सुंदरता को भी जो है दबा रहे हैं, मतलब ही इज सो ब्यूटिफुल कि इवन द कोरल माउंटेन विल बी जो है वो ये हो रहा है, वो द कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड बाय इवनिंग स्काई बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक द ब्यूटी। तो बहुत जो है भगवान उसकी सुंदरता को जो है उसकी उसका मजाक उड़ा रहे, मॉकिंग। देर इज अ गोल्ड ऑन द समिट ऑफ द माउंटेन, वहां पे सोना भी है, बट द लॉर्ड्स हेलमेट बिडेक्ट विद ज्वेल्स मॉक्ड इट, लेकिन भगवान का जो मुकुट है वो भी उसका मजाक उड़ा रहा है। द माउंटेन्स वाटरफॉल्स हर्ब्स एक्सेट्रा विद पैनोरामा ऑफ फ्लावर्स सीम्स लाइक गारमेंट्स, उसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं उसमें, फिर वहां पे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूल है वहां पे। एक्चुअली जो जंगल में या नेचर में जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं दे आर मोर ब्यूटिफुल रादर देन ये जो गार्डन में या नर्सरी में जो उगाते हैं वो इतने सुंदर नहीं होते, लेकिन जो नेचुरल होते हैं तो इतने सुंदर वो हैं, वो भी जो है भगवान की सुंदरता उनको उनका जो बट द जाइजेंटिक लॉर्ड्स जाइजेंटिक बॉडी एंड हिज हैंड्स लेग्स डेकोरेटेड विद ज्वेल्स, उनके हाथों में जो ज्वेल्स हैं, उनका जो कड़ा है, उनके ब्रेसलेट्स हैं, उनके आर्मलेट्स हैं, वो सब जो है उसको उसका मजाक उड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है कि
भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके सामने सारी सुंदरता फीकी पड़ती है। और हम लोग हमेशा कमल का बात करते हैं, सुंदर चीजों में सबसे जो उत्तम वस्तु है वो है कमल। कमल को भी मतलब राधा, मैं एक बार राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, वो भी कहते हैं कि कमल से भी तुलना नहीं कर सकते हैं उनकी, क्योंकि कमल से तुलना करना भी मतलब मूर्खता होगी, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि कमल उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग उसी को समझ सकते हैं, इसलिए वो हमको समझा नहीं, अरे वाह भगवान कितने सुंदर हो सकते कमल के, इसलिए वो कंपैरिजन किया जाता है। बट वो कंपैरिजन नहीं है, वो मतलब भगवान उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है यहाँ पे ये कहा गया। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो गया वो कभी किसी दूसरी चीज से आकर्षित नहीं हो सकता। भगवान है ही इतने सुंदर। गोपियों को हम लोग देखते हैं, गोपियां परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि जब वो गोचरण के लिए निकलते थे तो जो गोपी अपने छत पे आके खड़ी हो जाती, दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती कि अब अरे लाला निकलने वाला, इतना सुंदर देखते देखते, मतलब जिसने तिलक देख लिया वो बस तिलक ही देख रही है। भगवान तो वहां से चले भी गए लेकिन उसका ध्यान उस तिलक पे ही है, किसी का उस मोर पंख पे है, किसी का बांसुरी पे है, तो वो देखते रहेगा तो देखते ही रहेगा वहां पे, जस्ट अमेज। तो ये है एक हाई क्वालिटी का जो प्रेम है उनका, तो यहाँ पे उसके बारे में चर्चा हो रही है कि जिनको उनका रस मिल गया है फिर भौतिक चीजों से वो आकर्षित नहीं होंगे। जैसे वो यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 59 भी कोट करते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, जिसको हायर टेस्ट लग गया वो निचले टेस्ट में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में ये कहा है। और अब इन श्लोक में हम लोगों को मतलब एज ए मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक सबसे पहले जो फर्स्ट श्लोक में हमारा डाउट क्लियर हो गया कि 100 साल का रहस्य क्या है, फिर दूसरे में ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, और अब जो है ये पूरा सेक्शन जो है श्लोक नंबर 32 तक भगवान की सुंदरता का वर्णन होगा। तब यहाँ पे हम लोग जो भगवान कैसे सुंदर हैं वो हम लोग देखेंगे। हम लोग तो मैं रुकता हूँ इसी के साथ, और किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस या किसी को और कुछ एडिशनल पॉइंट्स है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को नमो प्रणाम। अंतराक्षिमद भागवतम की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।